हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर फ्रेजेस एंड देयर टाइप्स फ्रेजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट मीनिंग फ्रेजेस शब्दों का वह समूह है जिसको अगर आप केवल पढ़ें तो उसका पूरा पूरा मतलब समझ नहीं आता बेसिकली ग्रामर में तीन तरह के फ्रेजेस पढ़ाए जाते हैं नाउन फ्रेज एग्जेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज इसके अलावा एडियोमेटिक फ्रेज और कंपेरेटिव पेयर्स भी इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ एक एग्जांपल्स हर तरह के फ्रेजेस के ले रहे हैं और उनके मीनिंग क्या है ये समझेंगे पहला है डच करेज डच करेज जब आप केवल ये दो शब्द पढ़ेंगे तो आपको इसका ज़्यादा मीनिंग क्लियर नहीं होगा आपको इसका मीनिंग पता करने के लिए डच कौन होते हैं ये पता होना चाहिए और फिर आप इसको रिलेट कर पाएंगे डच एक्चुअली नीदरलैंड के निवासी होते हैं ये जर्मनिक एथनिक ट्राइब है और वहाँ के लोग हैवीली ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद जो ड्रंकर्ड होते हैं जो अल्कोहल पीने वाले लोग होते हैं तो आप देखेंगे उनमें एक अजीब सा, साहस आ जाता है तो वो साहस जो अल्कोहल पीने के बाद आता है दैट इज़ नोन एज डच करेज इट्स नॉट अ ओरिजिनल करेज सो द मीनिंग इज़ अ फीलिंग ऑफ करेज विच अ पर्सन गेट्स बाय ड्रिंकिंग एल्कोहल सेकेंड वर्ड इज़ रेड टेपिज्म लाल फीताशाही भारत के परिपेक्ष में आपने इसको बहुत सुना होगा लेकिन ये रेड टेपिज्म से अगर आप मीनिंग समझना चाहें तो रेड माने लाल और टेप माने माने टेप से रिलेटेड कुछ है जो कि चीज़ों को बंद कर देता है तो इसका मीनिंग जो रेड टेपिज्म है वो भी यही निकलता है कि कन्फर्मिटी टू फॉर्मल रूल्स और तो जो नियम कानून बना दिए गए हैं अगर ज़रूरत होने पर भी उनमें कोई चेंज होने की या मॉडिफ़िकेशन होने की संभावना ना रह जाए और बिल्कुल लकीर के फ़कीर बन के आप चलते रहें तो वो कहलाता है रेड टेपज़्म ये सरकारी महकमे में गवर्नमेंट ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होने वाला बहुत बड़ी मात्रा में ये ये शब्द यूज़ होता है शार्प प्रैक्टिस शार्प माने तेज़ और प्रैक्टिस आप जानते हैं कि प्रैक्टिस करना किसी चीज़ की बार बार उसको करते रहना डेरफोर शार्प प्रैक्टिस का मतलब है कनिंग प्रैक्टिस जैसे कि बिज़नेस वगैरह में बिजनेसमैन करते हैं फोर्टी विंग्स फोर्टी विंग्स का मतलब होता है एक छोटी सी झपकी ले लेना जिसको हम इंग्लिश में नैप कहते हैं या शॉर्ट स्लीप फेयर सेक्स इज़ यूज फॉर वुमेन क्योंकि औरतें यूजली फेयर गोरी ब्यूटिफुल कहलाती हैं इसलिए उसको कहते हैं फेयर सेक्स आइए कुछ एग्जेक्टिव फ्रेजेस देखते हैं विदाउट रिवर्स विदाउट रिजर्व विदाउट रिजर्व का मतलब होता कंप्लीटली पूरी तरह से कुछ भी बचा के नहीं रखना बिसाइड हिमसेल्फ बिसाइड हिमसेल्फ माने वेरी shocked, अपने आप में ना रह जाना एट सी एट सी का मतलब है सेलिंग इन द शिप सेलिंग इन द शिप को भी आप जरा समझने की कोशिश करेंगे तो मान लीजिए जैसे आपका व्यवसाय है और आपका पूरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है और सारा कुछ जो सामान है जो पैसा है वो सब शिप के एक जो उसमें सामान लदा हुआ है उस पर है तो आपका दिमाग इज़ एट सी योर माइंड इज़ एट सी दैट मीन्स योर माइंड इज़ सेलिंग इन द शिप मन यहाँ नहीं लगा है तो so, सी का मतलब समुद्र से रिलेटेड जो शिप के व्यवसाय होते हैं उसमें मन का रह जाना एट द फर्स्ट फ्लैश एट द फर्स्ट फ्लैश मीन्स इन अर्ली एंड एक्साइटिंग टाइम जो सबसे पहली पहल कोई काम करने का एक्सपीरियंस हुआ होता है उसको कहते हैं एट द फर्स्ट फ्लश एट ईज़ इल माने होता बीमारी ईज माने होता आराम यानी आराम में ही अगर आप बीमार होने लगे आराम में ही अगर आपको अच्छा ना लगे बहुत ज़्यादा आराम जैसे आज लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादा ही आराम में लोग अनइजी फील कर रहे हैं तो दिस इज़ द मीनिंग अनइजी अंडर द विंग मीन्स अंडर कंट्रोल इन द हॉट वाटर इन ट्रबल ट्रबल सम सिचुएशन मुश्किल का जो समय है उसको कहते हैं इन हॉट वाटर फ्रेजेस बाय डिग्रीज बाय डिग्रीज मीन्स सीरीज ऑफ स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ़ लेट ऑफ लेट मतलब जो बीता हुआ अभी अभी का समय है पास्ट इन रीसेंट पास्ट एट बेस्ट अंडर द मोस्ट फेवरेबल सर्कमस्टांसेज जो सबसे उचित सबसे फेवरेबल सिचुएशन है वो आउट एंड आउट मीन्स कंप्लीटली एंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल फ्री कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं एट अ स्ट्रेच एट अ स्ट्रेच मतलब एक बार में विदाउट स्टॉपिंग इन बिटवीन ऐट द आउट सेट ऐट द आउट सेट मीन्स फ्राम द वेरी बिगनिंग्स शुरू से शुरुआत करना ऐट लार्ज ऐट लार्ज इज इन जनरल और एज अ होल पूर्णतया थ्रू एंड थ्रू इन इन एवरी एस्पेक्ट कम्प्लीटली यानी कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं और वो पूरी तरह से बार बार तो वो कहलाएगा थ्रू एंड थ्रू थ्रू मतलब होता है किसी चीज़ में से होकर के गुजर जाना तो बार बार आप उसमें से खो कर के गुजर रहे हैं दैट मीन्स इन एवरी एस्पेक्ट कम्प्लीटली पूर्णतया हर तरह से प्रपोजिशनल फ्रेजेस फॉर वांट ऑफ यहाँ पे वॉन्ट का मतलब चाहना नहीं है वॉन्ट का मतलब कमी से है दिच मीन्स लैक ऑफ समथिंग इन लीव ऑफ मतलब इंस्टेड ऑफ किसी अन्य चीज़ की जगह पर एट इंस्टेंस ऑफ एट द रिक्वेस्ट ऑफ विद अ व्यू टू कीपिंग इन माइंड मतलब किसी चीज़ को ध्यान में रख कर के कुछ करना ऑन अकाउंट ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ किसी के बिहाफ पे किसी की जगह पर आप वो काम कर रहे हैं वो व्यक्ति मौजूद नहीं है तो आप कर रहे हैं इन द एक्ट ऑफ विच मीन्स इन डूइंग समथिंग कुछ करना वी आर लुकिंग एट एडियोमेटिक फ्रेजेज़ इन पेयर्स कुछ एडियोमेटिक फ्रेजेज जो पेयर्स में अकर करते हैं जैसे फ़िट्स एंड स्टार्ट फिट एंड स्टार्ट का जो मतलब है वो है नॉन पीरियोडिकल ये सेवनटीन सेंचुरी में बहुत यूज़ करते थे ये फ्रेज़ यानी रुक रुक कर कोई कायम करना फिट्स होता दौरा और जैसे दौरा पड़ता आदमी को और फिर वो दौरा जब ख़त्म होता है फिर वह अपना काम शुरू करता तो फिट्स एंड स्टार्ट रुक रुक के फिर काम को चालू करना इंटेंट एंड परपज़ विच मीन्स फॉर ऑल पर्पज लीप्स एंड बाउंडस लीप एक्चुअली होता है बहुत लंबी छलांग और बाउंड मतलब भी होता है एक बहुत बड़ा पैकेट एक साथ तो वेरी क्विकली जब आप बहुत लंबी छलानग एक साथ लगाएंगे तो आपका काम जल्दी होगा तो इसका मतलब भी वही है वेरी क्विकली पार्ट एंड पार्सल मीन्स जैसे पार्सल होता है उसके बहुत से हिस्से होते हैं तो बड़े पार्सल का ही हिस्सा वो छोटा पार्ट भी होता है तो इसका मतलब यही है कि इंक्लूडेड इन in, जैसे जो भी पार्ट्स है वो पार्सल का ही हिस्सा होते हैं तो वो इंक्लूडेड होते हैं इसका मीनिंग हमको यही समझना है कि इंक्लूडेड इन समथिंग ऑर्ड्स एंड एंड्स विच मीन स्मॉल एंड्स ऑफ लिटिल वैल्यू तो छोटी छोटी चीज़ें जो कम कीमती हैं उनको कहते हैं ऑर्ड्स एंड एंड्स रैक एंड रोइंग डिक्लाइन या बिकम रोइन तबाह हो जाना उसको कहते हैं रैक एंड रोइन वियर एंड टीयर इज़ डिक्रीज इन क्वालिटी क्वालिटी का ख़राब होना धीरे धीरे जैसे कोई सामान आप लेके आए टायर आपने लगवाए अपने गाड़ियों में और वो घिसते गए घिसते गए तो हम कहते हैं कि वो वियर एंड टीयर हो गया उन टायरों का हेड एंड शोल्डर ये शैम्पू का, का नाम है आप जानते हैं लेकिन ये फ्रेजेज में यूज़ होता है बेटर देन अदर तो इसको हम हमेशा हेड एंड शोल्डर मतलब बेटर देन अदर कोई कंपटीशन नहीं है जिसका रैंक एंड फाइल इज़ ऑर्डनरी वर्कर्स एंड फ्रेंड्स यानी कि लीडर्स नहीं है वो लोग तो रैंक एंड फाइल इज़ जो सामान्य वर्कर्स होते हैं या हमारे सामान्यता हमारे दोस्त होते हैं उनको हम कहते हैं नाउ वी आर लुकिंग एट इडियोमेटिक कंपेरिजन्स कम्पेरिजन्स में जैसे एस चेयरफुल एज लार्क लार्क एक चिड़िया का नाम है हमेशा खुश रहती है तो गे का भी मतलब है खुश रहना तो एस चेयरफुल एज लार्क लार्क बर्ड जैसा खुश रहने वाला तो इट मीन्स वेरी हैप्पी एस डेफ एस पोल या पोस्ट तो पोल आप जानते हो खम्बा और खम्बा सुनता नहीं है तो बहरा होता है तो इसीलिए नॉट हियरिंग खड़ा तो है बीच में लेकिन सुन नहीं रहा सो एस डेफ एस पोल एज हार्मलेस एज डव डव चिड़िया होती है बहुत सॉफ्ट बहुत प्यारी होती है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, सेफ होती है तो बिल्कुल कोई इस तरह का हार्मलेस व्यक्ति हो जो बिल्कुल डव जैसा तो हम कहते हैं हम सेफ हैं एज मैड एज मार्च एयर एयर का मतलब होता है घोड़े का जो बच्चा होता है और मार्च में क्योंकि इन लोग का आई थिंक ब्रीडिंग ब्रीडिंग सीजन होता है मार्च में तो एज मैड एज मार्च एयर तो बहुत एक्साइटेड होते हैं उचकते रहते हैं घोड़े के बच्चे उस समय और हॉर्स आर ऑल्सो बेसिकली वेरी एनर्जेटिक एट दट टाइम तो कहते हैं एक्साइटेड टू मच एज मैरी एज क्रिकेट क्रिकेट इज़ अगेन इंसेक्ट नॉइसी इंसेक्ट होता है तो क्रिकेट एक बर्ड का भी नाम होता है एज मेरी एज़ क्रिकेट तो मेरी इज हैप्पी तो कोई ऐस जब ऐसी सिचुएशन हो कि आप हैप्पी भी हैं और नॉइज आवाज़ें क्रिएट कर रहे हैं तो कहेंगे यू आर एज मेरी एज़ क्रिकेट एज पेल एज डेथ पेल माने होता है कि बिल्कुल रंग उतर जाना उदास हो जाना कमज़ोर दिखना दिस इज़ द मीनिंग मृत्यु में आदमी शांत हो जाता है कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है. वीक दिखने लगता है सो दे फोर दिस इज़ द मीनिंग पेल एंड डेथ मीन्स वीक वेरी वीक एज पुअर एस चर्च चर्चिज माउस तो चर्च का जो चूहा होता है वो बड़ा गरीब होता है तो so कहने मतलब चर्च इतना बड़ा लेकिन वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें नहीं रहती हैं बिल्डिंग बहुत शानदार होती है लोग बहुत सारे होते हैं लेकिन वहाँ पर खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं होता तो हंगरी के लिए यूज़ होता है कि एस पुअर एस चर्च माउस एस स्लिपरी एज ईल ईल मछली होती है सांप जैसी दिखने वाली पानी में रहती है बहुत स्लिपरी होती है हाथ में पकड़ में नहीं आती तो हम कहते हैं एज स्लिपरी एज ईल सो स्लिपरी दैट इट कैन नॉट बी हेल्ड विद इन योर हैंड आप हाथ से उसको पकड़ ही नहीं पाते इतनी स्लिपरी होती है वो दीज वर सम ऑफ द फ्रेजेस वेरियस टाइप्स एंड सम एग्जाम्पल्स आई होप दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड फ्रेजिज एंड देर टाइप्स Again, at the end, I am repeating the definition of phrase. Phrase is a group of words having incomplete meaning. So keep learning, stay safe, bye bye for now.